हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ए बी सी डी ई मॉडल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, और यहाँ पे हमने मेनली अराबिडोप्सिस थालियाना प्लांट को लेकर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टीचिंग पाठशाला पे ऑलरेडी ए बी सी मॉडल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। आई मीन बहुत पुराना वीडियो है वो, लेकिन उस मॉडल को भी इसी पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर कर लूँगी। ऑल ऑफ टोटल हम ए बी सी डी ई पूरा का पूरा मॉडल हम कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले ये आता है कि जब भी हम बात करते हैं फ्लोरल डेवलपमेंट के बारे में, तो फ्लोरल डेवलपमेंट के दो फेज होते हैं। कोई भी प्लांट को अगर आप मान लीजिए दिस इज़ अ सीड एरिया, ये सीड है, जब आप इसको ज़मीन में डालते हो तो वेरी ऑब्वियसली सबसे पहले जो है प्लांट बन के बाहर आता है, राइट? ये पहले प्लांट बन के बाहर आता है। प्लांट बन के बाहर आने के बाद ये ग्रो करता है। जब ये ग्रो करता है तो हम कहते हैं ये अपने वेजिटेटिव फेज में है। और जब ये अपने वेजिटेटिव फेज में होता है तो वेजिटेटिव फेज में वो फ्लावरिंग नहीं कर सकता है। वेजिटेटिव फेज से उसको फ्लावरिंग फेज में एंटर करना पड़ता है। तो फ्लावरिंग फेज में जब ये एंटर करता है, फ्लावरिंग फेज में, तो वेरी ऑब्वियस इसको यहाँ पे भी किसी जीन्स की ज़रूरत होती है। वो जीन्स जो इस प्लांट को वेजिटेटिव फेज से फ्लावरिंग फेज में एंटर करवा दें, बिकॉज ए बी सी मॉडल इस चीज़ से डील करता है कि एक प्लांट में फ्लावरिंग कैसे होती है और कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वेजिटेटिव फेज से फ्लावरिंग फेज में एंटर करने के लिए किसी जीन की ज़रूरत होती है, और यही जीन जो है वेजिटेटिव फेज से फ्लावरिंग फेज में एंटर करवाते हैं। फिर वेरी ऑब्वियस फ्लावर की जब हम बात करते हैं तो फ्लावर्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब इस पार्ट्स को बनाने में भी क्या करेंगे, यहाँ भी कुछ जीन्स हेल्प करते हैं। और अगर हम जनरल बेसिस पे बात करें उन जीन्स के बारे में, फ्लोरल डेवलपमेंट में दो कैटेगरी ऑफ जीन्स देखी जाती हैं। एक का नाम है, दैट इज फर्स्ट आप देख सकते हैं, एक का नाम है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन, जिसका मेनली काम होता है, फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन का मतलब होता है ऐसा जीन जो कि वेजिटेटिव फेज से फ्लावरिंग फेज में प्लांट को एंटर करवा दे। यानी इस जीन की मैं बात करूँ तो ये जीन यहाँ पे एक्सप्रेस होंगे, जो कि मेनली शूट पार्ट को फ्लावर फेज में भेज देंगी, यानी शूट पार्ट का कन्वर्जन फ्लावर में कर देंगी। तो ट्रांजिशन ऑफ द शूट वेजिटेटिव मेरिस्टम टू द फ्लोरल मेरिस्टम, तो जो सेल्स फिलहाल में वेजिटेटिव मेरिस्टम बना रही हैं, वही सेल आगे चल के फ्लावर बनाएंगी। और ये किसकी वजह से बनाएंगी, कुछ जीन्स के एक्सप्रेशन की वजह से। तो जब प्लांट एक वेजिटेटिव फेज में होता है, जब वो फ्लावर नहीं कर रहा होता है, तो उसके अंदर कुछ जीन का एक्सप्रेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए जीन का नाम है लीफी, एपिटाला वन एंड कॉलीफ्लावर। लीफी जीन को हम LFY कहते हैं शॉर्टकट में, एपिटाला वन को AP1 कहते हैं एंड कॉलीफ्लावर को कैल कहते हैं। ये जीन का काम होता है वेजिटेटिव फेज से प्लांट को फ्लावरिंग फेज में एंटर करवा देना। अब मान लेते हैं ठीक है, फ्लावरिंग फेज में एंटर कर चुका है प्लांट इन तीनों जीन के एक्सप्रेशन की वजह से। ऐसा नहीं होता सिर्फ यही तीन है, बहुत सारी जीन्स हैं, ये तीन जीन को मेजर तरीके से हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर बन के रेडी हो चुका है, अब क्या ज़रूरत है, आई मीन टू से फ्लावर फेज में प्लांट एंटर कर चुका है। अब फ्लावर फेज से ज़रूरी है कि फ्लावर में जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उनको बनाने का प्रोसेस शुरू हो। तो उसके लिए क्या किया जाता है, सेकेंड कैटेगरी ऑफ जीन का एक्सप्रेशन होता है। ये थी पहली कैटेगरी, ये है सेकेंड कैटेगरी, इसका नाम है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, यानी फ्लावर के ऑर्गन को आइडेंटिटी देने वाला जीन जो कि फ्लोरल की आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है। इसका नाम है एपिटाला वन AP1, एपिटाला टू दैट इज AP2, एपिटाला थ्री AP3, स्टिलाटा PI एंड एगमस AG। ये यहाँ पे पांच जीन्स होते हैं जो एक्चुअल में प्लांट में, दैट इज सॉरी, फ्लावर में कौन कौन सा ऑर्गन बनेगा उसे कंट्रोल करते हैं। इन सारे जीन्स का नाम आपको याद रखना है, ये सारे जीन्स हम देखेंगे जब ए बी सी मॉडल को हम डील करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर एक फ्लावर मतलब एक नॉर्मल प्लांट के जर्मिनेट होने के बाद प्लांट से फ्लावर फेज में जाने तक ये सारे जीन का यहाँ पे रोल देखा जाता है। अब हम जरा सा प्लांट की एनाटॉमी को समझ लेते हैं, बिकॉज अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट नॉन बॉटनी का है तो वो ये टॉपिक टारगेट कर सकता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं CSIR में, गेट में, इसके अलावा दैट इज अलग अलग एग्जाम में, बार्क में आता है, DBT में आता है, मतलब बहुत से एरिया है जहाँ पे
दैट इज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक हर एक लेवल के एग्ज़ाम, लाइक हर एक लेवल का जो एग्ज़ाम है उसे ये कवर कर लेता है। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि प्लांट्स में क्या क्या, आई मीन टू से फ्लावर में क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए, ये जो यहाँ ग्रीन वाला पोर्शन है, सबसे बाहर वाला ग्रीन वाला पोर्शन, इस पार्ट को हम फ्लावर के केस में कहते हैं दैट इज़ योर सेपल, ठीक है। और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, तो हम बोलते हैं दिस इज़ अ फर्स्ट लेयर, और बॉटनी की भाषा में इसको कहा जाता है फर्स्ट रोल। सेकेंड कौन सा है, ये कलरफुल वाला पार्ट, ये येलो वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं पेटल्स। ये है सेपल, ये है पेटल्स। पेटल्स होता है सबसे कलरफुल पार्ट और ये सेकेंड लेयर होता है प्लांट के अंदर। थर्ड लेयर होता है दैट इज़ योर स्टेमन, जिसे हम थर्ड रोल कह सकते हैं। स्टेमन यानी ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसी को हमने यहाँ पे दिखा रखा है। स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट होता है प्लांट के अंदर, जिसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर, ये वाला पोर्शन जो है दैट इज़, ये कहलाता है कार्पल, यानी ये फीमेल पार्ट होता है और इसे हम गाइनोशियम भी कहते हैं। एंड दिस इज़ द फोर्थ रोल। तो अगर हम रोल के बेसिस पे कहें तो पहला रोल कौन सा है, सेपल, सेकेंड रोल है पेटल्स, थर्ड इज स्टेमन, एंड द फोर्थ एंड इनर मोस्ट इज कार्पल। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, तभी आपको ABC मॉडल ढंग से समझ में आएगा। और लेयर के फॉर्म में हम 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख सकते हैं कि वन वन फर्स्ट लेयर या फर्स्ट रोल, सेकेंड रोल, थर्ड रोल, फोर्थ रोल। तो ये हो गई कहानी किसकी, दैट इज़ प्लांट की। प्लांट में जो फ्लावरिंग देखने को मिल रही है, उस फ्लावर में क्या क्या पोर्शन होते हैं। सेपल को हम SE लिखते हैं, पेटल्स को हम PE, स्टेमन को ST एंड कार्पल को CA के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गए चार रोल्स। मेक श्योर ये आगे पीछे करके एक्सप्रेस नहीं होते। अगर एक नॉर्मल और वाइल्ड टाइप प्लांट, अगर प्लांट में अगर एक प्रॉपर फ्लावर का जनरेशन हो रहा है, तो वो इसी सीक्वेंस के फॉर्म में जनरेट होगा। पहले रोल में सेपल, सेकेंड में पेटल्स, थर्ड में स्टेमन एंड फोर्थ में कार्पल बनेगा। ओके, अब आता है क्वेश्चन, व्हाट इज ABC मॉडल, एंड आफ्टर दैट वी विल स्विच टू व्हाट इज ABCDE मॉडल। ABC मॉडल क्या करता है, ABC मॉडल मेनली एज बिकॉज, जैसे कि मैंने कहा, हम Arabidopsis thaliana की बात कर रहे हैं जो कि एक मॉडल प्लांट माना जाता है। तो Arabidopsis thaliana में ये देखने को मिला कि उसके चार रोल्स को प्रॉपर फॉर्म करवाने के लिए कुछ जीन्स काम में आती हैं। वो चार रोल्स कौन सा था, दैट इज Arabidopsis में दैट इज द सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। ये थे वो चार रोल्स जिसको फॉर्म करवाने में कुछ क्लासेस ऑफ जीन्स काम में आती हैं। और उन क्लासेस ऑफ जीन्स को पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था दैट इज़ योर Arabidopsis thaliana में। इसीलिए इस मॉडल को हम मेनली अप्लाई कर रहे हैं Arabidopsis thaliana पे। यानी सिंपल सी बात करें तो ABC मॉडल क्या होता है, जो हमने अभी चार रोल पढ़ा कि वो रोल कैसे फॉर्म होंगे, यही बात बताता है हमें ABC मॉडल। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मैट्स बॉक्स जीन का। अब ये मैट्स बॉक्स जीन क्या होती है और इनको हम ABC मॉडल में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ABC मॉडल में जितने भी जीन्स आते हैं वो मैट्स बॉक्स जीन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये कौन सी एक फैमिली होती है, ये एक फैमिली ऐसी जीन की फैमिली है जिसमें बहुत से जीन्स आते हैं जो मेनली डेवलपमेंटल फेज को कंट्रोल करते हैं प्लांट के अंदर। और उन जीन्स के पास एक मैट्स बॉक्स कंजर्व डोमेन होता है, यानी वो डोमेन या वो अमाइनो, दैट इज़ वो सीक्वेंस आप कह सकते हो, जिस भी जीन्स में पाया जाता है उस जीन्स को हम मैट्स बॉक्स जीन की फैमिली के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो सारे के सारे जीन जो हमने, जो हम नॉर्मली ABC मॉडल में देखेंगे, वो सारे के सारे जीन्स मैट्स बॉक्स जीन में आते हैं, एक्सेप्ट और लाइक आप कह सकते हो कुछ एक्सेप्शंस के साथ। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, दैट इज़ जो हमने फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन पढ़ा, AP1, AP2, AP3, PI एंड एगमस, ये पांच हमने जीन पढ़ा जो कि फ्लावर को आइडेंटिटी देती हैं। तो सिमिलरली वो सारे के सारे जीन मैट्स बॉक्स जीन फैमिली से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट वन, दैट इज AP2। तो देखिए, ऑल दीज जीन्स जो अभी हमने डिस्कस किया, मेनली मैं बात कर रही हूँ फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी की, मेरिस्टम आइडेंटिटी जीन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इनकी। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 5 जीन्स। ये जीन्स जो हैं मैट्स बॉक्स जीन फैमिली से बिलोंग करती हैं। ऑल दीज जीन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ AP2 आर मैट्स बॉक्स जीन। जितनी भी जीन्स हमने बात की, यानी AP1, AP3, PI एंड एगमस,
चारों जीन, ये चारों की चारों जीन जो है मैट्स बॉक्स जीन का पार्ट माना जाता है, एक्सेप्ट AP2। AP2 इज नॉट अ मैट्स बॉक्स जीन फैमिली। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी आया था आपके, दैट इज नवंबर 2020 के एग्जाम में, और ये पोर्शन मैं ऑलरेडी जो है पढ़ा चुकी थी बच्चों को, आई मीन यहाँ पे नहीं बट प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा चुकी थी। तो AP2 जो होता है, दिस इज़ अ एक्सेप्शनल केस, ये मैट्स बॉक्स जीन का पार्ट नहीं माना जाता, मतलब फैमिली का पार्ट नहीं माना जाता है, और ना ही इसका होमोलॉग जो बाकी प्लांट्स में पाया जाता है। सो मैट्स बॉक्स जीन है क्या? मैट्स बॉक्स जीन इट इज़ अ ब्रॉड फैमिली ऑफ यू कैरियोटिक जीन्स दैट इंक्लूड अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कंटेनिंग अ हाईली कंजर्व DNA बाइंडिंग डोमेन विच इज़ कॉल्ड द मैट्स डोमेन। तो एक्चुअल में यू कैरियोटिक, ये एक यू कैरियोटिक जीन है जो कि मेनली इनकोड करता है, यानी कोड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, और इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास DNA बाइंडिंग कंजर्व डोमेन होता है जो कि दैट इज जीन टू जीन सेम रहता है, और उसे हम कहते हैं मैट्स डोमेन। एक्चुअल में बात करें मैट्स बॉक्स जीन के फैमिली की, तो इसके दो लीनिएज हैं, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2, और ये देखने को मिलता है प्लांट के अंदर, फंजाई के अंदर, एज वेल एज एनिमल्स के अंदर। मेनली अगर हम फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन की बात करें, यानी हम बात कर रहे हैं AP1, AP3, PI एंड एगमस। अगर हम इसकी बात करें तो ये सारे के सारे जीन टाइप 2 में इंक्लूड होते हैं। तो जहाँ तक मैं मानना है, माइट बी आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि जो जीन्स हम स्टडी करते हैं कि सो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, वो कौन से टाइप ऑफ मैट्स बॉक्स जीन में आती हैं, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द टाइप 2। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, नॉन सीड प्लांट कंटेन फ्यूअर मैट्स बॉक्स जीन दैन डू सीड्स प्लांट। जो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सीड, मतलब जिसमें सीड्स नहीं पाए जाते हैं, उसमें मैट्स बॉक्स जीन भी ज़्यादा देखा नहीं जाता है। सो द नंबर ऑफ सच जीन्स इज पर्टिकुलरली हाई इन एंजियोस्पर्म। तो इस टाइप के जो मैट्स बॉक्स जीन्स होते हैं वो मेनली एंजियोस्पर्म में, मेनली अरेबिडोप्सिस में काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं, एंजियोस्पर्म में देखे जाते हैं। और अगर हम अरेबिडोप्सिस की बात करें तो इसमें अभी तक 82 मैट्स बॉक्स जीन पाए जा चुके हैं, ठीक है। ऑल दो एन एंशियंट लीनियज दैट इज मैट्स बॉक्स जीन डाइवर्सिफाइड ग्रेटली ड्यूरिंग द एंजियोस्पर्म रेडिएशन। और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आया है मैट्स बॉक्स जीन में भी, डिपेंडिंग कि एंजियोस्पर्म कितना ज़्यादा डेविएट हुए हैं लाइक फ्रॉम द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो ये थी कहानी मैट्स बॉक्स जीन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं स्टूडेंट्स को इसे जो है एक्स्ट्रा पोर्शन मान के पढ़ाती थी, बट अब ये एक्स्ट्रा रहा नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन में ही इंक्लूड हो गया है। ओके फाइन, तो ABC मॉडल में मैट्स बॉक्स का क्या काम है? सीधी सी बात है, राइट? तो ABC मॉडल में जो जीन्स आपने देखा, वो सारे के सारे जीन मैट्स बॉक्स जीन फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो मैट्स बॉक्स एक कंजर्व सीक्वेंस मोटिफ होता है, ठीक है, और द जीन्स विच कंटेन दिस मोटिफ उसको हम कहते हैं वो मैट्स बॉक्स जीन फैमिली से बिलोंग करती हैं। मैट्स बॉक्स जीन मेनली जो है, दैट इज़ अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो वो पैटर्निंग को कंट्रोल करती है, जैसे कि हॉक्स जीन जो कि ड्रोसोफिला में पाई जाती हैं, ह्यूमंस में पाई जाती हैं, वो सब क्या होती हैं, वो सब मैट्स बॉक्स जीन का ही मैट्स बॉक्स फैमिली से ही बिलोंग करती हैं वो सारी की सारी जीन्स। काम क्या क्या होता है इनका, मेन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती हैं, एम्ब्रियो एंड सीड्स के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती हैं, रूट फ्लावर एंड फ्रूट के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती हैं। अगर हम बात करें कि ये मैट्स बॉक्स ऐसा नाम कहाँ से मिला है इसको, तो देखिए MCM1, मैट का एम जो है MCM1 से आया है, जो कि पाया जाता है बर्डिंग ईस्ट में, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में, ठीक है। इसके बाद एगमस जीन जो कि अरेबिडोप्सिस थालियाना में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिशन जीन जो कि स्नैपड्रैगन आर्टिरिनिया मोंजस में पाया जाता है, एंड SRF जीन जो कि ह्यूमन दैट इज होमोसैपियंस में पाया जाता है। तो ये सारे के सारे जीन्स को देखा गया कि एक कंजर्व सीक्वेंस को शेयर कर रहे हैं, और इनका पहला लेटर मिलाकर दैट इज MADS, इनके पहले लेटर को मिला के मैट्स बॉक्स बना दिया गया, और इस ढंग से आज ये एक फैमिली कहलाती है और जिसमें बहुत सारे जीन इंक्लूडेड हैं। 86 जीन तो अरेबिडोप्सिस थालियाना से ही इंक्लूडेड है, बाकी अगर हम बात करें दैट इज़ योर फंजाई की बात करें, इसके अलावा होमोसैपियंस की बात करें, स्नैपड्रैगन की बात करें, तो इनके जीन्स तो अभी इंक्लूड उसमें होंगे, तो वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस ढंग से ये मैट्स बॉक्स का कंसेप्ट बनता है। ओके,
एनाटॉमी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ पे एक रफली बेसिस पे आपको समझ में आ रहा है कि ये एनाटॉमी कैसे काम करती है कि पहले रोल में सेपल बना, सेकेंड रोल में दैट इज़ योर पेटल्स बना, थर्ड में स्टेमन एंड फोर्थ में कार्पल बना, ठीक है। तो ये चारों रोल्स में टोटल 5 होम्योटिक जीन का एक्सप्रेशन होता है, यानी जितना 5 हमने पढ़ा था दैट इज़ AP1, AP2, AP3, PI एंड एगमस, इन 5ों का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है दैट इज़ इन ऑल दिस 4 रोल। लेकिन ये एक्सप्रेस कैसे करती हैं ये भी देख लेते हैं। रोल वन में अगर हम नॉर्मल बेसिस पे कहें तो यहाँ पे जीन अलग एक्सप्रेस करेंगी, रोल टू में अलग करेंगी, रोल थ्री एंड रोल फोर सब में अलग अलग जीन एक्सप्रेस करेंगी। लेकिन ये कैसे करेंगी वो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि वाई ABC नाम क्यों पड़ा है इसका, ठीक है। ABC नाम क्यों दिया गया है? तो ABC नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज हमने जो जीन देखा दैट इज़ वेट अ मिनट हमने जो यहाँ पे जीन देखा दैट इज़ AP1, AP2, ये दोनों ए क्लास जीन के फैमिली से बिलोंग करती है, यानी एक क्लास है जिसका नाम है ए क्लास, ये दोनों वहाँ से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है AP3, PI, ये दोनों जीन जो है बी क्लास से बिलोंग करती हैं। एंड लास्ट इज एगमस जो कि सी क्लास से बिलोंग करती हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ABC मॉडल। तो जीन यही एक्सप्रेस करेंगी लेकिन इस सीक्वेंस में एक्सप्रेस करेंगी, ABC मॉडल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगी। आगे चल के मैं इसका कन्वर्जन ABCDE मॉडल में कर दूंगी, क्योंकि पहले आप ABC मॉडल समझ जाओगे ना तो आपको आसान होगा समझना कि ABCDE मॉडल क्या होता है। तो मैं कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा कम करने के लिए पहले आपको ABC मॉडल समझा रही हूँ। ओके, तो ये एक्सप्रेशन कैसे देती हैं ये देख लेते हैं। अगर हम नॉर्मल सी बात करें दैट इज़ योर वाइल्ड टाइप प्लांट के बारे में, तो वाइल्ड टाइप प्लांट में अगर मैं बात करूँ रोल वन में क्या एक्सप्रेस हो रहा है, आपको पता है रोल वन में सेपल एक्सप्रेस होता है, रोल टू में क्या एक्सप्रेस होता है दैट इज़ पेटल, रोल थ्री में स्टेमन एंड रोल फोर में एक्सप्रेस होता है कार्पल। लेकिन इनके एक्सप्रेस होने का तरीका क्या है? रोल वन में सेपल बने इसके लिए एक्सप्रेस होता है क्लास ए जीन, रोल टू में पेटल बनाने के लिए ए और बी क्लास जीन दोनों का एक्सप्रेशन होता है, रोल थ्री बनाने के लिए बी एंड सी क्लास जीन दोनों का इस्तेमाल होता है, एंड फोर्थ रोल बनाने के लिए अकेले सी क्लास जीन का एक्सप्रेशन होता है। तो ये काम कैसे करते हैं एक्चुअल में देखिए, ए एंड सी जीन म्यूचुअली एंटागोनिस्ट है। म्यूचुअली एंटागोनिस्ट होने का मतलब क्या होता है? जहां पे ए रहेगा वहां पे सी एक्ट नहीं करेगा, जहां पे सी रहेगा वहां ए एक्ट नहीं करेगा, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि जहां ए नहीं रहेगा वहां सी काम करेगा, जहां सी नहीं रहेगा वहां ए काम करेगा। इसे हम बोलते हैं म्यूचुअली एंटागोनिस्ट। ये हो गया अपना पहला पॉइंट कि बोथ आर म्यूचुअली एंटागोनिस्ट, बराबर में एक दूसरे को रोकेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? बी कभी भी अकेले एक्सप्रेस नहीं करता है, क्लास बी जीन कभी भी अकेले एक्सप्रेस नहीं करता है, बी हमेशा ही किसी ना किसी के साथ एसोसिएट रहता है, या तो बी सी के साथ एसोसिएट रहेगा या तो बी ए के साथ एसोसिएट रहेगा, अकेले एक्सप्रेस कभी नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप ये देखिए फिर इसको आराम से समझ पाएंगे कि क्यों ए और सी अकेले एक्सप्रेस हो जा रहे हैं और कभी ए और सी का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि जहां ए है वहां सी नहीं आ सकता, जहां सी है वहां ए नहीं आ सकता, और बी जो है कभी अकेला एक्सप्रेस नहीं करेगा इसलिए ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन है एंड बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से आप देख सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप डायग्राम बनाना चाहोगे तो इसको ओवरलैपिंग बेसिस पे इसका फंक्शन का भी डायग्राम बना सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आता है म्यूटेशन केस। म्यूटेशन केस को अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बिकॉज यहाँ से यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल की बात करें, एक नॉर्मल वाइल्ड टाइप प्लांट की हम बात करते हैं, वाइल्ड टाइप प्लांट, तो इसके फर्स्ट रोल में हमने देखा क्या बनता है? सेपल बनता है, सेकेंड रोल में पेटल्स बनता है, थर्ड रोल में स्टेमन एंड फोर्थ रोल में कार्पल बनता है। किसकी वजह से बनता है? सेपल बनता है ओनली क्लास ए की वजह से, पेटल बनता है ए प्लस बी की वजह से, स्टेमन बनता है बी प्लस सी की वजह से एंड कार्पल बनता है अकेले सी की वजह से। अब मैं चाहूँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना तो कैसे होगा? अगर क्लास ए जीन में म्यूटेशन हो गया तब क्या होगा?
सीधी सी बात है, क्लास ए जीन में म्यूटेशन हो गया तो जितने जगह पे क्लास ए है वहाँ पे क्लास सी जीन आकर एक्सप्रेस करेगा, और जैसे एक्सप्रेस करेगा वैसा ही अपना फिनोटाइप शो करेगा। तो फर्स्ट रोल में अगर मैं बात करती हूँ कि सेपल बन रहा था और क्लास ए जीन एक्सप्रेस हो रहा था, लेकिन ए की जगह कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। और अगर सी एक्सप्रेस होगा तो ये सी अकेला क्या करता है? कार्पल बनाता है। तो पहले रोल में इस म्यूटेंट फ्लावर में कार्पल बन जाएगा। सेकेंड रोल में देखिए, ए प्लस बी एक्सप्रेस करा था, ए नहीं है तो उस जगह पे सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सी प्लस बी। और देखिए सी प्लस बी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या करवा रहा है? सी प्लस बी का यहाँ कॉम्बिनेशन स्टेमन बना रहा है, तो यहाँ पे बन जाएगा स्टेमन। थर्ड रोल में कुछ अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि थर्ड रोल में ए प्रेजेंट ही नहीं है, तो बी प्लस सी का एक्सप्रेशन एज इट इज होगा, ये स्टेमन ही बनेगा। साथ ही साथ फोर्थ में आप देख सकते हैं दैट इज सी अकेला एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पे कार्पल ही बनेगा। तो इस म्यूटेंट की फिनोटाइप क्या हो गया? इस म्यूटेंट का फिनोटाइप हो गया कार्पल, स्टेमन, स्टेमन, कार्पल। अगर हम कहें कि यहाँ पे कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हो गया है, यानी कौन सा ऑर्गन फॉर्म नहीं हुआ है, तो इट विल बी व्हाट? दैट इज पेटल एंड सेपल जो है यहाँ पे अफेक्टेड हो गया है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। सिमिलरली बी क्लास की बात करते हैं, तो पहला वाला रोल तो एकदम ही ठीक बनेगा, ए क्लास यहाँ एक्सप्रेस करेगा जो कि सेपल बनाएगा। सेकेंड रोल में बी था लेकिन बी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे बी काम नहीं करेगा तो ए अकेला एक्सप्रेस करेगा और ये बना देगा सेपल। थर्ड रोल में क्या होगा? थर्ड रोल में यहाँ पे बी था, यहाँ भी बी एक्सप्रेस नहीं करेगा तो सी अकेला एक्सप्रेस करेगा, ये बना देगा कार्पल। एंड फोर्थ रोल में तो सी अकेला एक्सप्रेस कर ही रहा था, यहाँ बना देगा कार्पल। तो एक ऐसा फ्लावर जिसमें बी क्लास जीन का म्यूटेशन हो गया हो, उस क्लास में क्या देखने को मिलता है? उस क्लास में आपको देखने को मिलेगा कि जो फिनोटाइप है म्यूटेंट का वो कौन सा हो गया? वो है सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल। ठीक है, अब आते हैं सी क्लास में। सी क्लास की अगर हम बात करते हैं तो पहले रोल में वेरी ऑब्वियस, यहाँ पे तो पहले रोल में ए एक्सप्रेस हो रहा है तो ए एक्सप्रेस ही होगा, क्योंकि ए मतलब जहाँ पे सी होगा वही तो एरिया इफेक्ट होगा ना, तो यहाँ पे सेपल ही बनेगा। सेकेंड रोल में ए प्लस बी एक्सप्रेस हो रहा था, ये भी नॉर्मल एक्सप्रेस होगा, यहाँ पे पेटल बनेगा। थर्ड रोल में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि थर्ड रोल में यहाँ सी प्रेजेंट था तो बी प्लस ए यहाँ पे एक्सप्रेस होगा। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पे सी म्यूटेट हो गया तो उसकी जगह कौन ले लेगा? बी ले ए ले लेगा, तो बी प्लस ए का एक्सप्रेशन हो जाएगा और बी प्लस ए का एक्सप्रेशन क्या करता है? पेटल्स बनाता है। सिमिलरली फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे सी एक्सप्रेस करा था लेकिन सी जहाँ नहीं रहेगा वहाँ पे ए एक्सप्रेस करेगा, तो यहाँ बन जाएगा दैट इज योर सेपल। तो ऐसा म्यूटेंट फ्लावर जिसमें सी क्लास जीन का म्यूटेशन हो गया उसमें क्या फिनोटाइप मिलेगा? दैट इज सेपल, पेटल, पेटल, सेपल। तो क्वेश्चन ने पूछा है फिनोटाइप क्या होगा तो आपके आंसर्स ये होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा रोल अफेक्टेड हुआ है तो आंसर वो होंगे जो यहाँ पे रोल बना नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि अफेक्टेड पूछा है या फिनोटाइप पूछा है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ दीज आर दी फिनोटाइप, म्यूटेंट फिनोटाइप है ये, ठीक है? याद रखिएगा दीज आर म्यूटेंट फिनोटाइप, अफेक्टेड वो पोर्शन है जो कि यहाँ बना नहीं है। ओके, तो ये हो गया एबीसी मॉडल का म्यूटेशन केस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज एबीसीडीई मॉडल। तो देखिए अभी हमको समझ में आ गया है कि ए क्लास की वजह से क्या बनता है? सेपल बनता है, ठीक है? ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन पेटल्स बनाता है, बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन स्टेमन बनाता है, सी का अकेला कॉम्बिनेशन कार्पल बनाता है, लेकिन डी जो है डी एडिशनली यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, जब डी जीन एक्सप्रेस करता है तो वो ओव्यूल बनाता है। और ई का काम क्या होता है? ई का काम होता है ए बी सी डी ई सभी के साथ ओवरलैपिंग बेसिस पे एक्सप्रेस होना। यानी अगर मैं दोबारा से इसको बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे एक्सप्रेस होता है कि ए एक्सप्रेस करेगा तो सेपल बनेगा, ए प्लस ई, ई सभी के साथ एक्सप्रेस करेगा, ठीक है? इसके बाद ए प्लस बी प्लस ई, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा पेटल्स। इसके बाद दैट इज बी प्लस सी हम एक्सप्रेस करे थे, बस साथ में सबके साथ ई को प्लस कर देना है, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा दैट इज योर स्टेमन। सी अकेला एक्सप्रेस करा था तो आप सी प्लस ई कर दो, ये बना देगा दैट इज कार्पल। एंड लास्ट में जो है सी प्लस डी प्लस ई, ये तीनों जीन मिलकर क्या बनाएंगे? दैट इज ओव्यूल बनाते हैं। इस ढंग से ए बी सी डी ई मॉडल काम करता है। अगर ई क्लास का यहाँ म्यूटेशन हो जाए फ्लावर नहीं बनता है, अगर डी क्लास का म्यूटेशन हो जाए तो ओव्यूल नहीं बनता है।
तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ए बी सी डी ई मॉडल कैसे काम करता है। इसलिए पहले आपको ए बी सी मॉडल पढ़ाया गया था, बिकॉज उसको पढ़ने के बाद वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, बहुत ईजी हो जाती हैं समझना कि ए बी सी डी ई मॉडल कैसे काम करता है। सिमिलरली अगर मैं जीन्स के बारे में बात करूँ कि कौन से जीन यहाँ काम करते हैं, तो हमको पता है कि ए क्लास में एपिटाला वन एंड एपिटाला टू काम करता है, बी क्लास में एपिटाला थ्री पिस्टिलाटा काम करता है, सी क्लास में एगमस काम करता है, ई क्लास में कौन सा जीन है, ई क्लास में आने वाले जीन को हम बोलते हैं सेपेलाटा। इसको हम सेप वन से लेकर फोर तक देख सकते हैं, यानी सेप वन टू थ्री फोर, ये चार टाइप के सेपेलाटा जीन पाए जाते हैं। तो अगर हम ई क्लास को कहें तो यहाँ पे सेपेलाटा जीन काम करता है। डी क्लास में दो जीन है यहाँ पे, दैट इज योर शटर प्रूफ वन और शटर प्रूफ टू, SHP1 और SHP2, या फिर सीड स्टिक जीन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास SHP1, SHP2 एंड STK जीन, ये तीनों जीन जो है डी क्लास जीन माने जाते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ओव्यूल फॉर्मेशन। तो अगर मैं कहती हूँ ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन, तो ए के सारे जीन एक्सप्रेस करेंगे और बी के सारे जीन एक्सप्रेस करेंगे, तभी जाकर ए प्लस बी के कॉम्बिनेशन से फ्लावर का कोई पोर्शन बनेगा। तो इस ढंग से हम ये ए बी सी डी ई मॉडल को, ए बी सी मॉडल को आज के टाइम में ए बी सी डी ई मॉडल कंसीडर किया जाता है जब हम ई क्लास एंड डी क्लास को इंक्लूड कर लेते हैं। पहले हम ए बी सी मॉडल क्यों कह रहे थे, क्योंकि तीन ही क्लास इंक्लूड थे, अभी जो है ए बी सी डी ई मॉडल कहते हैं बिकॉज डी और ई को भी हमने यहाँ पे दैट इज इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो ई का ध्यान रखिएगा, ई का फंक्शन सभी के साथ है, जितने भी रोल बनेंगे सभी के साथ होगा, सारे जीन जितने भी हैं सभी के साथ मिलकर ई एक्सप्रेस करता है, और बाकी सबका तो आप यहाँ पे देख ही चुके हैं कि ये फ्लक्चुएशन कैसे होता है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो ये है एक एग्जैक्ट तरीका कि कैसे ई क्लास और डी क्लास बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं और ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो हेंस वी आर डन विथ ए बी सी डी ई मॉडल। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, ये मैंने थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन आपको पढ़ाया है, पहले ए बी सी मॉडल पढ़ा चुकी हूँ, ए बी सी डी ई मॉडल। ओके ओके, यहाँ पे ए बी सी ई मॉडल लगा हुआ है, लेकिन इसको आप ए बी सी डी ई मॉडल कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज मैंने यहाँ पे डी को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप ए बी सी डी ई मॉडल कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि डी को इंक्लूड किया जा चुका है यहाँ पे। सो विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप जो है अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड।